आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका शर्मा का नमस्कार। श्रोता साथियों, अपने इस कार्यक्रम में हमने बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात करवाई है और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली शाश्वता शर्मा से। शाश्वता रंगमंच, टीवी और फिल्मों में अभिनय करती हैं। वो न सिर्फ एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना हैं बल्कि कुशल गायिका भी हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी कर चुकी हैं और फिलहाल क्राइम पेट्रोल सीरियल की नियमित कलाकार हैं। अपनी अभिनय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ग्रुप जश्न कलम की स्थापना की है और इसी ग्रुप के बैनर तले स्टोरी टेलिंग करती हैं। स्टोरी टेलिंग यानी किस्सा गोई। ग्वालियर शहर से मुंबई और फिर गायन और कथक से स्टोरी टेलिंग यानी किस्सा गोई तक की यात्रा जानने के लिए हमने बात की शाश्वता शर्मा से। आइए सुनते हैं शाश्वता से की गई ये बातचीत। हमारे साथ इस समय हैं शाश्वता शर्मा। शाश्वता, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। शाश्वता ग्वालियर की हैं और इस समय मुंबई में हाथ आजमा रहे हैं, अभिनय में कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने जो अपने लिए मुकाम सोच रखा है वहां तक आप पहुंच पाई हैं। देखिए, ये तो सफर है। अगर आप सच्चे आर्ट की बात करें तो पूरा एक सफर ही है और मकाम उसमें धीरे धीरे माइलस्टोन जाते जाते हैं, तो जर्नी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय मंजिल के। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से वो जो जर्नी है उस को आप एंजॉय करते रहें और उसमें बढ़त हासिल करते रहें, ये असल सक्सेस के जो मंत्र हैं वो ये हैं। मतलब जो कलाकार हैं वो अपने परफॉर्मेंस में जो सुख पाते हैं वो सुख आपको तो मिल रहा है। जी बिल्कुल। आप एक स्टोरी टेलर हैं, यहाँ तक कि यात्रा हम पूरी डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन पहले ये बताइए कि शाश्वता को स्टोरी टेलर बनना था तो शाश्वता क्या बचपन से कहानी सुनने और कहने में मजा आता था उनको, या धीरे धीरे सीखी है ये चीज? दरअसल मैं बचपन से कथक सीखी हूँ, तो मैंने कथक के अंग से मैंने कहानी कहना, राधा कृष्ण की कहानियां कहना और उसमें नृत्य अंग से कहना मैंने तब शुरू कर दिया था। बीच में मुझे याद है एक ऐसा दौर था जब मैं मूल जबानी चुटकुले बहुत सुनाती थी। मतलब मुझे उस वक्त 100-150-200 चुटकुले ऐसे याद थे और मैं दिन भर पकड़ पकड़ के लोगों को सुनाती थी और लोग भाग जाते थे कि नहीं नहीं अपनी और नहीं सुना, बस 10 हो गए। तो लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि भाई ये कोई स्टोरी टेलिंग की आर्ट है या ऐसा कुछ होता है कि भाई आप किसी से बैठकर मजेदार तरीके से आप उसे कहानी सुना दें तो वो एक आर्ट में तब्दील हो सकता है। और उस वक्त मेरा रुझान अभिनय की तरफ भी नहीं था, उस वक्त मैं कथक में ही एक फ्यूचर परस्यू कर रही थी, करियर परस्यू कर रही थी। तो हालांकि ये स्टोरी टेलिंग शब्द आजकल ये पिछले 4-5 सालों से कॉइन हुआ है, लेकिन किस्सा गोई अगर कहें तो उसकी परंपरा 2000 साल पुरानी है। और देखें आप, पहले तो ऐसे कुछ किस्सा गो होते थे जो दूर देश से पूरा सफर करके आते थे और फिर यहाँ अपने देश के लोगों को वहाँ की कहानियां सुनाते थे और फिर उसमें कुछ मिर्च मसाले भी ऐड कर देते थे, कुछ गाने जो उन्होंने वहाँ सीखे होंगे वो गा देते थे, नाच भी देते थे और आज के पास बैठे आसपास लोग उन कहानियों को सुनते थे, उन शब्दों को सुनते थे और अपने मन में इमेजिनेशन में वो चित्र गढ़ते थे कि अच्छा उस पहाड़ के पीछे ऐसा है, अच्छा उस तरीके का जानवर है, अच्छा उस तरीके का फूल है। तो ये वहां से जो शब्दों की ताकत है, एक इंसान के अंदर जो कल्पना की ताकत है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो स्टोरी टेलिंग मतलब निकाल के लेकर आता है और फिर आपको जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन है, जो महसूस करने की, जो आपकी एक अंदरूनी एक सबके पास एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, उसको ये एक्सप्लोर करता है। सबसे पहले तो जो कथा कह रहा है, जो कथाकार है, स्टोरी टेलर है, वो उसके अंदर होनी चाहिए महसूस करने की ताकत, तभी वो सामने वाले को महसूस करा पाएगा।
जी जी तो मेरे हिसाब से ये हुआ कि पहले मैं एक्टर बनी, मैंने थोड़ा सा एक्टिंग एक्सप्लोर की, मैं टेलीविजन में काम कर रही थी, थिएटर में काम कर रही थी, और फिर धीरे धीरे एक ये रास्ता निकला, क्योंकि हमें एक्टर्स को तैयारी करनी होती है भाई, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। उस दौरान मैं ये साहित्य की, हिंदुस्तानी साहित्य की कहानियां पढ़ने लगी, और फिर धीरे धीरे करके एक अपना ग्रुप है जश्न कलम, वो स्थापित किया और वहां से ये सफर शुरू हुआ। किस तरह जश्न कलम की बात हम करेंगे, लेकिन हम पहले अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि क्या शाश्विता को बचपन में ऐसा माहौल मिला जिसकी वजह से शाश्विता आज जो अपने अंदर रिचनेस महसूस करती हैं, उसका कारण बना वो माहौल? जी बिल्कुल। मेरी मम्मी जो है वो सिर्फ ग्वालियर की नहीं, देश की बड़ी विख्यात गायिका रही हैं, डॉक्टर नीलिमा शर्मा, और गजल गीत भजन इसमें उनको महारत हासिल थी, और AIR से भी और दूरदर्शन से भी वो एक रेड आर्टिस्ट हैं, तो कई बार कॉन्सर्ट्स में जाती थी, घर पर रिहर्सल होते थे, तो मुझे वो गाने यूं जबानी याद हो जाते थे, छोटे ही थे हम, तो वो एक तरीके का माहौल घर में अच्छी भाषा का, उर्दू का, हिंदी का, साहित्य का, और मैं कथक सीखती थी, मम्मी ने मुझे कथक सिखवाया कि नहीं एक ऐसा आर्ट फॉर्म तुम्हें आना चाहिए जो धरोहर है हमारी, क्लासिकल है, और उससे आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास वो एक जमीन थी जो उपजाऊ जमीन होती है ये आर्ट के बीज बोने के लिए, और मैं इतना सपोर्ट घर पे था, फैमिली से इतना सपोर्ट था कि आप जो चाहें अपने लिए डिसीजन ले सकती हैं, और आप अपने लिए जो रास्ता चुनना चाहें, भले ही वो आसान हो, मुश्किल हो, जैसा भी हो, वो आप ही को चुनना है और आप ही को उसकी जिम्मेदारी उठानी। तो मेरे ख्याल से इतना भरोसा भी उन्होंने मुझ पर किया, और मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, इतना साथ दिया मेरा, आज तक देती हैं, तो इसके लिए तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ रोज की। मुझे ऐसा घर मिला, ऐसी मम्मी, ऐसे नानी मिली कि मुझे इतना प्यार और इतना प्रोत्साहन मिला आज ये करने के लिए जो मैं कर पा रही हूँ। हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर नीलिमा शर्मा के नाम से परिचित हैं, और बाद के दिनों में मेरे ख्याल से शायद आपकी मम्मी ने आपके साथ ही कथक सीखा होगा और उन्होंने भी कथक सिखाना शुरू कर दिया था। नहीं नहीं, वो तो कथक सीखी हुई थी पहले से, माधव म्यूजिक कॉलेज में कथक का डिपार्टमेंट वो ही हैंडल करती थी, मम्मी ने MA बाद में किया। उनकी मेरे ख्याल से ये जो उनका जुझारू व्यक्तित्व है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि उम्र का पढ़ाई से ताल्लुक नहीं देखा उन्होंने, उनको जब लगा, महसूस हुआ कि अब मेरे बच्चों की जिंदगी थोड़ी सी अब पढ़ाई में लग गए हैं, एक जगह स्कूल में जा रहे हैं, उनके पास एक नौकरी है जो एक रोज जहां वो जाती हैं, एक उनका रूटीन है, उसके बाद उन्होंने MA जो है कथक में वो बाद में, PhD बाद में की उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ये जो उनका जुझारू व्यक्तित्व है और बढ़ते रहने की, ग्रो करने की जो उनकी आदत है, वो मुझमें भी कहीं ना कहीं मुझे मिली है, उनकी देन मिली है। मम्मी से ही सीखा और मम्मी ने मुझे आगे भी बढ़ाया, और जब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, मैं कामल कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ ग्वालियर में, और फिर उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं जो है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उससे किया है, तो वहाँ इतना एक्सपोजर था डांस का, गाने का, एलोक्यूशन का, तो वो एक समय होता है जब बच्चा 10 से 12वीं में जब होता है तो वो काफी फर्टाइल होता है उसका माइंड सब करने के लिए, और आइडियाज, नए आइडियाज जनरेट करने के लिए। तो उस वक्त बड़ी धुन थी कि मैं तो कथक डांसर ही बनूंगी, और मम्मी ने मेरा साथ दिया, मम्मी ने कहा ठीक है तुम अगर बनना है तो फिर सबसे अच्छे गुरु से सीखना है। फिर वहाँ मुझे दिल्ली लेकर गई और बिरजू महाराज जी से मुझे कथक की शिक्षा दिलवाई मम्मी ने, क्या बात है, और वहाँ मुझे उनके सानिध्य में सीखने का मौका मिला, उनके साथ मैंने 2 प्रेजेंटेशन भी किए, और वहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी की दिल्ली में गार्गी कॉलेज से। तो ये सफर वहाँ का रहा, और मम्मी ने जितना मेरा साथ दिया उसकी तो मैं बात ही क्या कहूँ। अभिनय की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले कौन सा सीरियल किया? दरअसल बम्बई आना हुआ ये सोच के आई थी कि कुछ करूंगी। ऐसा कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं था। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट का टेम्परमेंट होता है थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने का लाइफ में, जैसे मैथ्स में होता है 2+2 उसको इक्वल टू 4 ही होता है, आर्टिस्ट का टेम्परमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो 2+2 को 1000 तरीके से देखेंगे, उसको संभालेंगे और फिर प्लस भी हटा देंगे शायद, कभी 22 ही लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से उस तरीके के साथ मैं लाइफ के साथ इम्प्रोवाइज कर दी गई,
तो यहाँ जब आई तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मिस्टर ओम कटारे हैं उनका थिएटर ग्रुप है यात्री, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया और वहीं से धीरे धीरे मुझे एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगने लगा, मैं ऑडिशन देने लगी। तो मेरा पहला जो ब्रेक थ्रू रोल था वो स्टापलस के लिए एक शो था, मर्यादा लेकिन कब तक, मैं उसमें कास्ट हुई थी। तब यही लग रहा था कि इसमें वक्त बहुत लगता है, ऑडिशन प्रोसेस और आपको काम मिलने तक में काफी वक्त लगता है, तो उस वक्त पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। मेरे ख्याल से ये मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री में, यहाँ पेशेंस रखें और अपने आप पर काम करते रहें, सफलता जरूर हाथ लगेगी। तो मैंने वो मर्यादा सीरियल किया, उसके लिए मैं स्टारप्लस के अवार्ड होते हैं उसमें नॉमिनेट हुई थी। तो पहली ही रोल में मुझे एक अच्छा एनकरेजमेंट मिला और फिर मैं बस इस काम को मैंने अपना बना लिया और इस काम ने मुझे अपना बना लिया। हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगी कि अभिनय की तरफ आप कैसे चली गई, क्योंकि कथक अपने आप में एक अभिनय का भी माध्यम है, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी एक्सप्रेशन की बहुत संभावना होती है। तो अभिनय अपने आप उस तरह से आपके अंदर धीरे से उतर गया होगा और अभिनय की तरफ आप मुड़ी होंगी। आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, कुछ के नाम हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, मैंने सबसे पहले मैंने बताया स्टारप्लस में मर्यादा लेकिन कब तक, ये किया तकरीबन 1.5 साल के लिए। फिर उसके बाद कलर्स पे एक शो आता था बानी इश्क दा कलमा, उसमें मैं नेगेटिव लीड प्ले करती थी। फिर उसके बाद जी के लिए एक शो किया डोली अरमानों की, उसमें भी बड़ा मजेदार किरदार था, मुझे काला बनाया गया था उसमें। तो जो हम आज रेसिज्म का जो आज एक मुद्दा देखते हैं ना, कि आज ब्लैक लाइव्स मैटर ये जो एक मुद्दा उभर रहा है रेसिज्म का, तो विदेशों में ये रेस के ऊपर है लेकिन हमारे यहाँ कलर के ऊपर है। जो काला होता है उसे बचपन से ही कैसे देखा जाता है, हमारी सोसाइटी कैसे देखती है उसे, अरे तू तो काली रह गई, अरे तू सुंदर नहीं है। तो सुंदरता की एक ही छवि बना दी गई है, गोरापन। तो मेरा वो जो किरदार था वो बड़ा अच्छा, उसने एक इम्पैक्ट डाला कि मैं थी तो उसमें काली, लेकिन उसका जो एक पूरा बैकग्राउंड था, आर्क था कि वो काली है, नेगेटिव थी मैं उसमें। तो संध्या उस कैरेक्टर का नाम था, तो संध्या को ये हर चीज में खराबी ढूंढने की आदत थी। तो इसलिए ये किरदार इतना एक तो पॉपुलर भी हुआ और लोग इससे जुड़े भी, क्योंकि वो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझ सके। उस पूरे किरदार में, उस पूरे सीरियल में ये दिखाया गया कि क्योंकि उसके साथ बचपन में लोग उससे दोस्ती नहीं करते थे, क्योंकि उसका रंग काला था या सांवला था, क्योंकि वो हर चीज में उसको अलग बिठाया जाता था, कमरे में नहीं आने दिया जाता था, तो उसके अंदर ये अलग तरीके की प्रवृत्ति डेवलप हुई कि सब तो मुझे पसंद करते नहीं है, तो मैं भी सबको पसंद नहीं करूंगी। तो मुझे साउथ अफ्रीका से बहुत मैसेजेस आते थे इसके लिए। अच्छा। हाँ, वहाँ बड़ा उसका फैन बेस था, इनफैक्ट आज भी आते हैं सूडान से, नाइजीरिया से, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं, वहाँ के लोग ज्यादा रिलेट करते हैं उनके साथ, फिर देश के ऊपर ये एक कॉमेंट है। लेकिन हाँ, मतलब ये बड़ा मजेदार एक हो रहा। फिर उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल सतर्क जो आता है उसमें मैं लीड करती हूँ, एक पुलिस वुमन की भूमिका निभाती हूँ और वो मैं आज तक कर रही हूँ। तो वो एक अलग तरीका का किरदार है। तो सबसे पहले मैंने ह्यूमर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने नेगेटिव के साथ किया, मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर लीड के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ क्राइम पेट्रोल में। इसके साथ साथ किस्सा गोई भी लगातार चल रही है आपकी। जी जी, जी। किस्सा गोई में कैसे उतर गई आप? एज एक्टर्स हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं और मेरे कुछ दो चार दोस्त हैं, मैं जिनका ये एक तरीके से आइडिया था, मेरे दोस्त हैं केसी शंकर साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, एक प्ले देखने हम गए थे, वहाँ मुलाकात हुई, फिर हम दोनों ने एक्सचेंज किया कि भाई मैं भी थिएटर करती हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट है सीखने में, उन्होंने कहा मेरा भी है, तो हम लोग मिले, एक हमारे दोस्त और थे, तो हम मिलके आपस में फिर कहानियां पढ़ते थे, प्रेमचंद की, मंटो की, इस्मत चुगताई की, हम जैसा प्रीतम राजेंद्र सिंह बेदी की, तो ये कहानियां पढ़ते पढ़ते हमें लगता था कि यार हिंदुस्तान के साहित्य इतना रिच है, और जब हम 10वीं 12वीं में और कॉलेज में थे तब हमें ऐसा लगता था कि बस ये कोर्स की किताबें खत्म हो जाए, लेकिन इन किताबों में या इन कहानियों में कितनी शक्ति है और इतना विजन है। और इसलिए है क्योंकि ये हमारी एक तो अपने जमीन की कहानियां हैं, हमारी अपनी समस्याओं के बारे में ये बात करती हैं, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, और इसमें हमारे ही सवालों के जवाब भी हैं। बिल्कुल। हम ये सोचते थे कि ये कहानियां कोई पढ़ता क्यों नहीं है, कोई इन्हें फैलाता क्यों नहीं है,
किताबें पढ़ना आजकल कितना कम हो गया है। हम्म। तो हम आपस में बैठ के पहले तो आपस में ही घोटते रहते थे, फिर हमने ऐसे छोटे छोटे शोज करने शुरू किए कि चलो यार बुलाओ 15 लोगों को, हम उनके लिए पढ़ते हैं। हाँ, वो अंदर की खुशी होती है ना, वो दूसरों को बताने का मन होता है, तो यही फीलिंग हुई रही होगी कि इतनी अच्छी कहानी है सबको बताई जाए। हाँ, क्यों नहीं लोग, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं कहानियाँ, अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई लोग हैं कि भाई नहीं पढ़ पा रहे हमारे पास टाइम नहीं, या आजकल हिंदी से लोग उतने रिलेट नहीं कर पा रहे, कम्फर्टेबल नहीं है पढ़ने में हिंदी। मतलब मेरी फील्ड की ये विडम्बना है कि हमारी स्क्रिप्ट जो है फिल्मों की या सीरियल की स्क्रिप्ट, वो रोमन अंग्रेजी में आती है। ओहो। तो रोमन स्क्रिप्ट में आती है, मतलब अंग्रेजी में आती है, तो आप समझ सकती हैं कि हिंदी पढ़ने में लोग अनकंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए अलग से उनको ट्यूशन लगानी पड़ती है। तो खैर ये एक हो रहा कि हम चलिए लोगों से शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा ये कहानियां, लोगों तक पहुंचाते हैं, बस यही मुद्दा है हमारे जश्न कलम का कि ये कहानियां जो किताबों के पन्नों में कैद हो गई हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और एक बड़े सरल और एंटरटेनिंग तरीके से पहुंचाया जा सके, जिसका नाम हमने स्टोरी टेलिंग, आज जिसे हम कहते हैं किस्सा गोई कहते हैं, या फिर आप हमारा नाम ले रहे हैं। और ये जो 70, 80, 100 साल पहले लिखी हुई कहानियां हैं, वो आप लोग इतनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम इतनी पुरानी कहानी सुन रहे हैं, बल्कि लगता है कि ये घटना बस आजकल में ही हुई होगी और इसे आजकल में ही लिखा गया होगा। इस किस्सा गोई की एक बानगी हमारे श्रोताओं को तो चाहिए ही चाहिए शाश्वता से। ठीक है, कहानियां देखिए वैसे तो लंबी होती हैं, क्योंकि ये पूरे दुनिया को ये आपके सामने खोल कर रख रही है, तो 20 से 25 मिनट की प्रस्तुति होती है। इन्हीं कहानियां जो मैं परफॉर्म करती हूँ, राजेंद्र सिंह बेदी साहब की लिखी हुई ये कहानी है चेचक के दास। बेदी साहब बहुत बड़े राइटर हुए हैं और मंडो और इस्मत आपा के साथ की फहरिस्त में शामिल है, और साथ साथ में बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रहे, तो इन्होंने पटकथा लेखन और संवाद लेखन और डायरेक्शन तीनों किए हैं। तो अब मैं बड़े नाम लूंगी, जैसे मधुमती और देवदास, इसके डायलॉग जितने पॉपुलर हुए थे वो बेदी साहब ने लिखे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुपमा, सत्यकाम, अभिमान, ये फिल्मों के डायलॉग लिखे। तो उनकी कहानी है चेचक के दास, उसकी मैं छोटी सी 5-2 मिनट की झलक आपको दिखाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा श्रोता साथियों। कहानी का नाम है चेचक के दास। इसमें नई नवेली दुल्हन सुखिया जो है ब्याह करके अभी अभी ससुराल आई है, और जैसा कि ससुराल में होता है गाने बजाने हो रहे हैं, मोहल्ला हजारी की औरतें लगी हुई हैं वहाँ, दिन भर की रस्में कराने के लिए वहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन सुखिया के मन में हलचल है क्योंकि डोली में से उन्होंने अपने पति का मुंह देख लिया है और उनके पति के मुंह पर हैं चेचक के दाग। तो अंदर ही अंदर उनको बड़ी गुगाहट लगी है कि हायरा मैं कहाँ फंस गई। अच्छा हो क्या रहा है, घर में सारी रस्में चल रही हैं, गाने बजाने भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो जयराम है यानी सुखिया के पति, वो एक दूर फाटक के पास खड़े हैं, और सुखिया घर में देखती है इधर उधर, तो उसे घर भी इतना अच्छा नहीं लगता और वहाँ का रहन सहन बड़ा पुराना है। तो कहानी वहां तक पहुंची है कि ये सुखिया अंदर ही अंदर मन में कुछ कुछ सोच रही है, उन्हें घर भी अच्छा नहीं लग रहा और आसपास इतना हल्ला गुल्ला हो रखा है, तो वो किस तरीके से बेदी साहब ने उसके आगे ये कहानी बढ़ाई। सहन यानी आंगन के धोए जाने से ये हिले, ये यानी जयराम हिले, और एक पिल्ले को चुमकारते हुए बड़े भैया के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन यहाँ भी यही लगता था जैसे कि छुप रहे हो, अपना चेहरा दिखाने से हिचकिचा रहे हो। सुखिया के मन में जरा रहम सा पैदा हो गया, राम किसी को बदसूरत भी न बनाए, अपने आप से शर्म आती है, मानती हूँ इसमें इनका कोई कसूर नहीं, लेकिन मेरा क्या कसूर, मेरी शक्ल से तो औरतें भी जलती हैं और इनकी शक्ल से तो भूत भी नाचे। इतने में बड़ी ननद मुरादाबादी बर्तन में लेमू का अचार ले आई। सुखिया ने अपनी कश्मीरी फर्द से पतली पतली उंगलियां बाहर निकाली और अचार की तरफ बढ़ाई। ननद ने भाभी की उंगलियां देखी और फिर अपनी मोटी गोभी के डंठल की सी उंगलियां और बोली, जयराम ने तो मोती दान किए ना पिछले जन्म में, सरसों की नार की सी नाजुक और लांबी उंगलियां हैं, सच बता सुखिया भाभी कौन सासे में ढाली थी तुम। सुखिया सोचने लगी कि इतना प्रेम, शायद ये रिश्ते ही कुछ ऐसे होते हैं
कि आप ही आप इतना प्रेम हो जाता है, इसके खातिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। सास ससुर ननद नंदोई देवरानी जेठानी सबकी सहनी भी पड़ती है, मगर जब वही ऐसी सूरत का हो तो किसकी सहेगा आदमी। रात को डरावने सपने ना आए इसलिए अफीम का गोला खाके सोया रहेगा। ननद ने भाभी की ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया और उसका मुंह ऊपर की ओर उठा दिया। आंखें बंद थी जैसे बहुत रस आ रहा हो, होंठ सीप की तरह मिले हुए। आह, ऊपर वाले होंठ की कमान कितनी अच्छी दिखाई देती है। अच्छी, एक बात बता। सुखिया ने सवाल की सूरत में आंखें खोल दी। क्या जयराम ने तुझे देखा है? सुखिया की जी में आया कि वो पूछे, जी कौन जयराम? और बड़ा मजा रहे, लेकिन सुखिया चुप रही और गठरी होने लगी। अब ननद एक देहातन थी और ज्यादा ताकतवर, उसने सुखिया को गठरी ना होने दिया और अपना सवाल फिर दोहराया। अरे बता ना, क्या जयराम ने तुझे देखा है? सुखिया ने जान छुड़ाने के लिए हाँ में सर हिला दिया। जी, तो ये कहानी यहाँ तक पहुँचती है कि सुखिया जो है अपने पशु पेश में है कि क्या करे, उसे रहम भी आ रहा है कि हाय बेचारे इतना खराब मुंह है, उसको तो लोगों के सामने जाते हुए शर्म आती होगी। और धीरे धीरे कैसे पूरे दिन की जो रस्में चलती हैं घर में, आसपास जितनी औरतें हैं वो सब जयराम की तारीफ कर रही हैं कि बड़ा अच्छा है, इतना अच्छा कमाता है, गऊ जैसा है। धीरे धीरे सुखिया के मन में जो जयराम की छवि है वो बेहतर होती जाती है और वो सोचती है ठीक है कोई बात नहीं, शायद ये चेचक के दाग मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो फिर ये मुंह रोज रोज देखने से इतना मानुष हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो देखती है जयराम जो है बर्तन बांटने की रस्म होती है उस पर आते नहीं है। वो सोचती कि ये क्यों नहीं आए, आ जाते करीब, इसमें क्या हो गया, करीब आ जाने में क्या है, यूं ही वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें कैसे पता चल गया कि मुझे उनसे नफरत है, मुझे तो नफरत भी नहीं है। लेकिन किस तरीके से आखिर में एक जो मास्टर स्टोरी टेलर होता है ना, जो कहानी को एक 360 डिग्री टर्न दे देता है, ठीक उसी तरह बेरी साहब ने जयराम की जो मन की बात है वो सबसे आखिर में कर दी है। अब वो मैंने अगर आपको बता दिया तो कहानी खुल जाएगी। लेकिन होता यह कि वो जयराम आता नहीं है सुखिया के पास। अब वो क्यों नहीं आता और सुखिया को क्या ठेस ऐसी लग जाती है, ये तो कहानी अगर आपको पूरी जाननी है तो इसके लिए आपको या तो मेरा शो देखना पड़ेगा। आजकल हम ऑनलाइन डिजिटल शोज भी करते हैं तो आप ऑनलाइन भी देख सकती हैं। आजकल तो ये सहूलियत हो गई है कि हम यहाँ बम्बई में परफॉर्म करें और देश भर में या दुनिया भर में लोग जहाँ बैठे हों वहाँ बैठ के सिर्फ अपने फोन या लैपटॉप पर ये देख सकते हैं कहानी। और हर्षिता, उद्देश्य जो आपके इस किस्सा गोई का था कि ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचे, तो यदि कोई जानना चाहेगा तो राजेंद्र सिंह बेदी की चेचक के दाग कहानी ढूंढ कर पढ़ेगा भी, यदि उसके अंदर इतनी प्यास जग गई होगी तो। और ऐसे कई लोग हैं जो हमसे हमारा इवेंट या हमारा शो देखने के बाद हमसे जुड़े हैं और उसके बाद हमारे टच में रहे हैं कि हम ये पढ़ना चाहते हैं और फिर उस पर हमसे डिस्कशन भी करते हैं। तो इस सफर में कई ऐसे लोग हमें मिले हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आपने प्रस्तुति देखी है मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रस्तुति देखी है और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस प्रस्तुति में आके आप एक बहुत खूबसूरत लोकगीत गाती हैं, वो लोकगीत भी हमारे श्रोता साथियों को सुनाइए। जी, ये जो स्पेसिफिक लोकगीत है जो मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ वो सुखिया की मनोदशा को दर्शाता है, लेकिन है वो ऐसा कि जो आसपास औरतें शादी में जो गाती हैं, शादी की पिलाओं में जो गाती हैं, ये वैसा है। करम फूट गए सैया मेरे मूसर चंद, करम फूट गए करम फूट गए सैया मेरे मूसर चंद, करम फूट गए करम फूट गए सैया मेरे मूसर चंद, करम फूट गए। इनके हैं सात नाम गिनके सुनाए, मतलब इनके हैं सात नाम, मैं इनके सुनाती हूँ। इनके यानी पति महोदय, पति
इनके हैं सात नाम जिनके सुनाए, और मिठू और मिटके मथोले कहाए, कुठमल धराए ये सटोले कहाए। जिनके सुना रही है मिठू मिटके हैं मथोले हैं कुठमल्ले और सटोले, ये पांच नाम है। अरे मिठू और मिटके मथोले कहाए, कुठमल धराए ये सटोले कहाए, और छते हैं बुद्धू और छते हैं बुद्धू और साते मुझर चंद। करम फूट गए करम फूट गए सैया मिले मुसर चंद, करम फूट गए अकरम फूट गए सैया मिले मुसर चंद, करम फूट गए। शाश्वता, श्रोताओं को ये जो आनंद आ रहा है ये आधा ही आ रहा है, क्योंकि वो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो साथ में आप डांस करती हैं, वो ये सब कुछ नहीं देख पा रहे। तो गूंगे का गुड़ है, समझ सके कोई तो समझे, क्योंकि मैंने ये प्रस्तुति देखी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जब संपूर्ण प्रभाव से सामने आता है ना, तो प्रभावी ज्यादा हो जाता है। और मेरे ख्याल से किस्सा गोई की यही खास बात है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिससे हमारा साहित्य भी जुड़ा है, कला भी जुड़ी है और लोक भी जुड़ा है। बिल्कुल, कहाँ तक पहुँच सकेगी आधुनिक समय में ये कला किस्सा गोई की, क्योंकि है ये पुरानी कथा, इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है, बहुत से नाम है इस क्षेत्र में अभी भी, लेकिन आप क्या भविष्य देखती है किस्सा गोई का? दो चीजें हैं देखिए, एक तो ये कि ये कहानियाँ बहुत रेलेवेंट हैं। चेचक के दाग, जैसे मैं अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी रंग पर, और ये जो कहानी जो बेदी साहब ने मुद्दा उठाया है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का, कि कोई अगर किसी के चेचक के दाग हैं तो खराब है, और अगर कोई गोरा है या उसकी नाक लंबी है तो वो अच्छा आदमी है, ये जो सोसाइटी के परसेप्शन है इन्हें ये तोड़ती है मरोड़ती है। तो ये मुद्दे जो हैं वो 60 साल पहले भी इतने ही रेलेवेंट थे और आज भी उतने ही रेलेवेंट है, है ना। तो ये कभी कहानियां पुरानी नहीं होंगी ना, क्लासिक इसीलिए कहते हैं। ये जो इन मुद्दों पे ये बात कर रही हैं वो हमें भीतर तक अपने आप पर सोचने पे मजबूर कर देती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप देखते हैं ना, आज भी अगर आप देखेंगे किसी पति पत्नी को, पति अगर काला है और पत्नी गोरी है तो कितनी आसानी से लोग कमेंट पास कर देते हैं कि अरे तो अंगूर को अंगूर मिल गया, आई डोंट नो, मतलब इस तरीके की। तो ये इंग्रेन है हमारी सोसाइटी में, अब हम सेंसिटिव अब होते जा रहे हैं जितना हम खुल के इस पर बातचीत कर रहे हैं। उसके पहले ये डिसेंसिटाइज थे, उस आदमी को अगर आप ये कह देंगे तो उसके अंदर क्या बैठता जाएगा, उसके अंदर किस तरीके की कमतरी आती जाएगी। और ये कहानियां जितनी गहरे तक लोक में उतरेंगी, विमर्श मेरे ख्याल से इन मुद्दों पर ज्यादा गहरा हो पाएगा। जी जी, तो ये कहानी एक जरिया है ये डायलॉग क्रिएट करने का, बातचीत करने का, और कोई एंटरटेनमेंट तो है ही। अगर मैं कहानी कह के आप में एक थॉट जनरेट कर पाऊँ, प्रोवोक कर पाऊँ आपको सोचने के लिए और फिर बात कर पाऊँ, तो मेरा आर्ट सफल है। मैं इसका स्कोप ऐसा देखती हूँ कि ये तो न कभी मरेंगी ये कहानियां, हम चले जाएंगे और ये कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी, और आई होप कि ये मुद्दे जो हैं धीरे धीरे बदल जाए, क्योंकि अगर हमारा देश उन्हीं मुद्दों पर 60 साल पहले वो जितनी रेलेवेंट है और आज भी उतनी रेलेवेंट है, यानी हमने उसकी प्रोग्रेस नहीं की है एज ए सोसाइटी, एज ए सोसाइटी में हमने उस पर विमर्श किया है ना, अपने आप को बेहतर करने की सोच हमने बनाई है। तो आप ऐसी कहानियां ही चुनती हैं जो मेंटल कंडीशनिंग को तोड़ती हैं और एक नया विमर्श सामने ला के रखती हैं। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहती है, लेकिन अगर मैंने इसको कह के बता दिया तो लोग शायद भाग जाएं। लोग कहेंगे हमारी जिंदगी यूं ही बड़ी मुश्किल है, आप और मुश्किल मुद्दे ले आए। भारी भरकम विमर्श की दृष्टि से ना देखा जाए इसको, एक कहानी की तरह से देखा जाए और धीरे से संदेश हृदय में रख के और कहानी चली जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात हो नहीं सकती। शाश्वता, आपसे बात करते समय इतना कब हो गया पता नहीं चला, अभी मन नहीं कर रहा कि बातें खत्म करें, लेकिन समय हुआ जाता है और हम विदा लेना चाहते हैं अपने श्रोताओं से भी, क्योंकि घड़ी कह रही है कि अब बस करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं ग्वालियर AIR और अपने शहर के लोगों से जुड़ सकूं, अपनी बातें सामने रख सकूं और वो लोग मेरा एक हिस्सा, मेरी शख्सियत का एक हिस्सा जान पाए, पहचान पाए। शायद आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया तुलिका जी। जी धन्यवाद।
श्रोता साथियों, ये थी शाश्विता शर्मा और अब कार्यक्रम एक पॉजिटिव नोट पर समाप्त करते हैं। When you forgive, you don't change the past, you change the future. जब आप माफ कर देते हैं तो अतीत को तो नहीं बदल पाते, लेकिन भविष्य जरूर बदल जाता है। और इसी बात के साथ अपनी दोस्त तूलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।